प्रणाम, मैं प्रवीण पांडे, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी यंत्रों के ऊपर। किसी भी पूजा में हमें या किसी साधना में हमें आवश्यकता पड़ती है यंत्रों की, पर विडंबना यह है कि बाजार में मिलने वाले जो यंत्र होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, चैतन्य नहीं होते हैं। दूसरी चीज कि उन पे कोई भी जाप नहीं किया गया होता है, इस कारण से वो प्रभावहीन होते हैं। चूंकि आप लोग खरीद के उसे घर पे तो रख लेते हैं, पूजा पाठ पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, पर जब वो वर्क नहीं करता, आपकी जो इच्छित अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती, तो फिर आप शंका करने लगते हैं। तो शंका मत करिए, सीधी सी बात है कि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, अभी जागृत नहीं है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तब हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, इस पे हम कोई फोर्स नहीं करते हैं। हाँ, निवेदन सब्सक्राइब के लिए ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ इस नवरात्र में बहुत से ऐसे लोग होंगे, देखिए साधारणतया लगभग 99% लोग तो अपने लोकल मार्केट से पूजन सामग्री खरीद लेते हैं, पर जो 1% लोग बच रहे हैं जिनको इजिली पूजन सामग्री अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जो विदेशों में रह रहे हैं या बड़े शहरों में रह रहे हैं, तुरंत ही कहीं जाके बसे हुए हैं, तो उन लोगों को नहीं पता मार्केट कहाँ है, कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, तो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहाँ पे नवरात्र पूजन सामग्री आपको मिल जाएगी, एक ही जगह पर मिल जाएगी। देखिए आज हम बात करेंगे यंत्रों के ऊपर। हम इस नवरात्र में हमारी तरफ से एक अनुष्ठान किया गया है कि 9 दिन में हर दिन एक एक यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इच्छुक हो, जिसको यंत्र की आवश्यकता हो, जो कोई साधना करना चाहता हो, वो इस यंत्र को बुक कर ले, क्योंकि 9 ही यंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। वो कोई भी यंत्र हो सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, उसके ऊपर 11,000 जाप किया जाएगा, वो साधारण यंत्र नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, बाजार से लेके चले आते हैं यंत्र, ना उसमें प्राण प्रतिष्ठा रहती है ना उसके ऊपर जाप किया जाता है, तो वो प्रभावहीन रहता है। जो इस अनुष्ठान में आपको यंत्र दिया जाएगा उस पे जो भी यंत्र रहेगा, मान लीजिए अगर आपने काली का यंत्र मंगवाया, हमसे कहा कि गुरुजी हमारा फिक्स कर दीजिए, हमें महाकाली का यंत्र चाहिए, तो उस यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, इसके बाद उस पर 11,000 मंत्र संख्या का जाप किया जाएगा। जाप करने के बाद उसे फ्रेम करवा कर आपके यहाँ कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसमें किसी भी महादेवी का, आप माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ बगलामुखी हो, माँ तारा हो, छिन्नमस्तिका हो, या कोई भी 10 महाविद्याओं में से किसी भी देवी का यंत्रों की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दें, हम समय मिलते ही आपको कॉल कर लेंगे। आप पूरी डिटेल बता दीजिएगा कि कौन सा यंत्र चाहिए आपको। बकायदे आपसे उस दिन जब पूजा होगी, जिस दिन आपके यंत्र का नंबर रहेगा, क्योंकि 9 ही लोग चुने जाएंगे, बाकी और नहीं, अब हमें भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए केवल 9 व्यक्ति चुने जाएंगे। उन 9 यंत्रों पे जिस भी दिन उस व्यक्ति का नंबर रहेगा, उस दिन उसे फ़ोन करके संकल्प दिलवा दिया जाएगा, पूजा इधर हो जाएगी, पूजा करके उस पे उसको प्राण प्रतिष्ठित करके उस पे जो भी जाप है वो जाप करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसे फ्रेम करवाने के बाद आपको कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी महोदय को आवश्यकता हो यंत्रों की, वो हमें संपर्क कर सकता है। ये वीडियो केवल यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।